Assalamu alaikum students, today we are going to discuss another topic of chapter number 12, that is endocrine system. हमारी बॉडी में बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन की मेंटेनेंस है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बॉडी में मेंटेन करना, या रीएब्जॉर्प्शन जो है वो किडनीज वगैरह से जो होती है. तो इन सब प्रोसेसेस को रेगुलेट करने के लिए हमें एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, और ये सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो कि आपके पास इस तरह की जॉब्स को परफॉर्म करता है. ये सिस्टम जो है वो केमिकल्स को यूज करता है अपने अफेक्टर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए. जो केमिकल्स ये सिस्टम यूज करता है या रिलीज करता है, उनको हम हार्मोन्स कहते हैं. हार्मोन्स जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि सिंथेसाइज होते हैं और सिक्रेट जो है उनको कौन कर रहा होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कर रहे होते हैं. ग्लैंड जो है वो डक्टलेस, ये जो ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड जो आपके पास होते हैं, ये डक्टलेस होते हैं, इनके कोई डक्ट नहीं होती, और ये अपनी सिक्रीशंस जो है वो सिक्रीट करते हैं, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, और ये अपनी सिक्रीशंस जो है उनको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो रिलीज कर रहे होते हैं. ब्लड जो है वो आपके पास इन हार्मोन्स को लेता है और टारगेटेड ऑर्गन या टिश्यू तक पहुंचाता है, जहां पे जाके इन हार्मोन्स ने एक्ट करना होता है, किसी फंक्शन को परफॉर्म करना होता है, किसी टाइप की मेंटेनेंस करनी है, या कोई फंक्शन जो है उसको रेगुलेट करना होता है. इसके बाद है जी इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स. यहाँ पे आपके पास कुछ आपकी बुक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस किया गया है, जिनका हम वन बाय वन देखते हैं. हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो आपके पास है लिवर, जो कि ज्यादा से ज्यादा सिक्रीशंस जो है वो हार्मोन्स जो है वो रिलीज करता है, बहुत सारे सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है. तो लार्जेस्ट जो आपकी बॉडी का ग्लैंड है वो आपके पास बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर लिवर है. फर्स्ट है जी आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बेसिकली उसकी पी शेप ग्लैंड होती है, जो कि अटैच होता है आपके हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन के साथ. ब्रेन की हमने ऑलरेडी वो नर्वस सिस्टम की डिविजन्स पढ़ी हैं, तो उसके अंदर आपके पास जो हाइपोथैलेमस है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस के साथ जो है वो अटैच होता है. बहुत से हार्मोन्स जो हैं, जैसे ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो उनको इन्फ्लुएंस करता है, सिक्रीशंस बनाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपके पास अदर एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उनकी सिक्रीशंस करा रहा होता है, कि आपके पास इस ग्लैंड के थ्रू जो है वो दूसरे हार्मोन्स जो है वो स्क्रीट आउट हो रहते हैं. कुछ हार्मोन्स जो है इस ग्लैंड के वो डायरेक्टली एक्ट करते हैं बहुत से बॉडी टिश्यूज के अंदर. इनकी दो लोब्स होती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, एक होती है आपके पास जी एंटीरियर लोब और दूसरी होती है आपके पास पोस्टीरियर लोब. अगर हम एंटीरियर लोब की बात करें तो ये आपके पास बहुत से हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, जिनमें एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो है वो सोमेटोट्रोफिन जो है, ग्रोथ हार्मोन जो है उसको प्रोड्यूस कर रही होती है. ये प्रमोट करती है ग्रोथ ऑफ द बॉडी को. अगर प्रोडक्शन इस हार्मोन की जो है वो आपकी ग्रोथ एज के दरमियान जो है वो अगर डिस्टर्ब हो जाए, इंटरप्ट हो जाए, तो ग्रोथ रेट जो है वो आपका आपकी बॉडी का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और उस कंडीशन को हम ड्वार्फिज्म कहते हैं. यानी नॉर्मल हाइट या नॉर्मली एक बंदे को जितना ग्रो करना चाहिए वो उस उतना ग्रो नहीं करता. और अगर यही हार्मोन जो है आपके पास सोमेटोट्रोफिन ट्रोफिन जो है, अगर जो ये एक्सेसिव अमाउंट में जो है वो प्रोड्यूस हो जाए ड्यूरिंग द ग्रोथ एज, तो ये लीड कर देता है आपके पास जाइजेंटिज्म, यानी बहुत ज्यादा टॉल और ओवरवेट जो है वो पर्सन जो है वो होता है. अगर सोमेटोट्रोफिन जो है वो एक्सेसिवली प्रोड्यूस हो जाए आफ्टर द ग्रोथ एज, तो इंटरनल ऑर्गन्स या आपकी बॉडी जो है वो बॉडी का एक स्पेसिफिक जो भी ऑर्गन जहां पे ये एक्सेसिव अमाउंट में ग्रो कर रहे हैं, तो वो एक जो आपका जो भी ऑर्गन है वो क्या करेगा, वो ग्रो कर जाएगा नॉर्मल से ज्यादा. इस कंडीशन को हम एक्रोमेगली कहते हैं. कुछ पर्सन जो है उनके हाथ बहुत बड़े होते हैं, फीट्स बहुत बड़े होते हैं, या जॉ बोन्स जो उनके जो है वो
मौत बड़ी होती है, उसकी रीजन ये होती है कि आंखों का जो ग्रोथ हार्मोन है वो उनकी जो ग्रोथ एज है उसके जो है बाद जो है वो ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ग्रो करना शुरू करता है, जिसकी वजह से जिस भी पर्टिकुलर एरिया में जिस भी पर्टिकुलर रीजन में वो ग्रो कर जाता है वहां पे वो बॉडी ऑर्गन जो है वो एनलार्ज हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है वो एंटीरियर लोब जो है वो सीक्रेट करती है और उसको हम कहते हैं, इन हार्मोन्स को हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अगर जो आपके पास स्टिमुलेटेड थायराइड ग्लैंड्स जो है वो सीक्रेट करें इस हार्मोन्स को, तो रिमेनिंग हार्मोन जो एंटीरियर लोब के होते हैं जैसे आपके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या इसके साथ साथ ये आपके पास कंट्रोल करता है एड्रेनल ग्लैंड्स को भी। तो इसका काम जो है आपके पास, अगर हम एंटीरियर लोब का काम देखें तो एंटीरियर लोब जो है वो बेसिकली आपके पास एक तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स मिला रही है जो कि स्टिमुलेट करते हैं थायराइड ग्लैंड्स को जो कि सीक्रेट कर रहे हैं थायराइड के हार्मोन्स, गले के हार्मोन्स वगैरह, ठीक है। तो आपके पास एंटीरियर लोब जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रही है, उसके साथ साथ आपके पास ग्रोथ हार्मोन जो है उसको प्रोड्यूस कर रही है जो कि आपके पास या ड्रॉफिज्म की तरफ लीड करता है या जाजेंटिज्म की तरफ लीड करता है या एक्रोमेगली आपके पास ये कंडीशन है उसकी तरफ लीड करता है जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्गन जो है उसकी ग्रोथ है आफ्टर द ग्रोथ एज, अगर वो एक्सेसिव अमाउंट में ये वाला हार्मोन जो है वो आपका ग्रो करता है। अब अगर हम देखें कि पोस्टीरियर लोब, तो पोस्टीरियर लोब जो पिट्यूटरी ग्लैंड की है वो स्टोर करती है और सिक्रीट करती है दो तरह के हार्मोन्स को, नंबर वन है ऑक्सीटोसिन एंड द सेकंड वन इज ए वैसोप्रेशन जो कि एंटी डायरेटिक हार्मोन्स हैं आपके पास। ये हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं बाय द हाइपोथैलेमस, आपका ब्रेन का एक पार्ट है। वैसोप्रेशन जो है वो इंक्रीज करता है आपके पास रेट ऑफ री एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द नेफ्रॉन, यानी किडनीज में से जो आपका बेसिकली री एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर हो रही है, वैसोप्रेशन जो है उस रेट को इंक्रीज करता है। जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लूइड के अंदर, बॉडी फ्लूइड जो हमारा उसके अंदर जब आपके पास वाटर की अमाउंट जो है वो लो हो जाती है, कम हो जाती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करता है वैसोप्रेशन को और वो ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन करवाता है फ्रॉम द नेफ्रॉन्स इनटू द ब्लड। इस तरीके से जो बॉडी है वो रिटेन कर लेती है वाटर को और लेस अमाउंट ऑफ यूरिन जो है वो आपके पास प्रोड्यूस होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, जब बॉडी फ्लूइड जो है उसके अंदर मोर देन द नॉर्मल वाटर होता है तो आपके पास सिक्रीशन जो है वो डिक्लाइन हो जाती है उस मोमेंट के अंदर। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कोई भी हार्मोन जो है वो सीक्रेट नहीं कर रहे कि आपके पास रिक्वायर्ड अमाउंट जो है लेस वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब हो फ्रॉम द नेफ्रॉन, ठीक है। और आपके पास जब ये वाला हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा जो हमने वैसोप्रेशन अभी हमने पढ़ा है, तो वैसोप्रेशन के आपके सीक्रेशन नहीं होगी तो उस केस में वो बेसिकली क्या कर रहा है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन होगी फ्रॉम द नेफ्रॉन और एक्सेसिव लॉस ऑफ द वाटर थ्रू द यूरिन हो जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो आपकी बॉडी में से निकलना शुरू हो जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज इंसोपाइडस। अब आपके पास इस कंडीशन में बेसिकली पोस्टीरियर लोब जो है वो दो तरह के हार्मोन जो है वो आपके सीक्रेट कर रहा है, नंबर वन है आपके पास ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेशन। वैसोप्रेशन जो है वो आपके पास बेसिकली क्या कर रहा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। ये आपके पास कब रिलीज होगा, जब आपके बॉडी के अंदर वाटर की जो अमाउंट है ब्लड फ्लूइड के अंदर वाटर की अमाउंट कम हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा नेफ्रॉन में से रीअब्सॉर्प्शन करेगा। लेकिन जब आपकी बॉडी के अंदर जो है वो वाटर जो है वो ज्यादा होगा तो ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपके पास जो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द नेफ्रॉन है वो कम हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा पानी जो है वो एब्जॉर्ब होगा ब्लड में से और ज्यादा ज्यादा यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा, तो उस केस में आपके पास जो है वो वाटर का लेवल जो आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन जो आपका हार्मोन है वो स्टिमुलेट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ द यूरेटस वॉल इन मदर्स फॉर द बर्थ चाइल्ड बर्थ, ठीक है। अब आपके पास ऑक्सीटोसिन जो है वो आपके पास स्टिमुलेट करेगा किसकी, यूरेटस वॉल जो है उसकी
कंसेंट्रेशन को, कि उसकी कंसेंट्रेशन जो है उसको बैलेंस रखे चाइल्ड बर्थ के लिए, जो मदर की यूरिटस वॉल है सॉरी. हाउएवर दिस हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द इंजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट. लेकिन अगर इसके साथ साथ जो इसका दूसरा काम है वो क्या है, वो इजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट है, कि आफ्टर द बर्थ जो इजेक्शन हो रही है मदर की ब्रेस्ट में से, तो उसके लिए भी ये हार्मोन होना बहुत जरूरी है. ऑक्सीटोसिन जो है ये बेसिकली जो मदर के दो हार्मोन्स हैं जिनका एक एक तो पहला काम तो जो इसका है वो ये है कि वो आपके पास कंसेंट्रेशन मैनेज कर रहा है वॉल्स ऑफ द यूरेटिस के, ठीक है. उसके साथ साथ ये क्या कर रहा है कि आपके जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वहाँ, ये बेसिकली मेमोरी ग्लैंड्स है जो कि आपके पास प्रोडक्शन इजेक्शन ऑफ द मिल्क जो है उसमें हेल्प आउट कर रहे हैं. नेक्स्ट जो ग्लैंड है आपका दैट इज थायराइड ग्लैंड. सो इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, जो कि प्रेजेंट होता है आपके नेक रीजन में बिलो द लेरिंग्स और प्रोड्यूस करता है हार्मोन जिसको हम थायरोक्सिन कहते हैं. आयोडीन जो है वो रिक्वायर्ड होती है इस ग्लैंड की प्रोडक्शन के लिए. अगर एक पर्सन जो है उसको आयोडीन जो है उसकी डाइट में कम है तो थायराइड ग्लैंड जो है वो ये हार्मोन नहीं बनाएगा. ऐसी कंडीशन में जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है. इस कंडीशन को हम कहते हैं गोइटर. थायरोक्सिन जो है वो इंक्रीज करता है ब्रेक डाउन ऑफ द फूड को, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है उसको इंक्रीज करता है और रिलीज ऑफ द एनर्जी इन द बॉडी. इसके साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. हाइपोथायरॉयडिज्म, इसके आपके पास दो कंडीशंस आ जाती हैं. पहली है आपके पास हाइपोथायरॉयडिज्म, तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो आपके पास कॉज होता है बाय द अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन, कि जब आपके पास थायरोक्सिन जो है वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है. तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो बेसिकली दिस इज बिकॉज ऑफ द अंडर प्रोडक्शन ऑफ द थायरोक्सिन, जो कि आपके पास कैरेक्टराइज होता है लोअर एनर्जी प्रोडक्शन इन द बॉडी से और स्लोइंग डाउन ऑफ द हार्ट बीट. अब इस केस में दो रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके. एक तो आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो लो प्रोड्यूस होगी, उसके साथ साथ जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी. सेकेंड कंडीशन जो आपके पास आती है वो क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म. अब हाइपरथायरॉयडिज्म ऑब्वियसली इज इट बिकॉज ऑफ द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द थायरोक्सिन है. इसके सिम्टम्स जो है वो है कि एनर्जी जो है, एनर्जी प्रोडक्शन आपकी बॉडी में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. हार्ट बीट जो है वो आपकी ज़्यादा हो जाती है, स्वेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है और शिवरिंग ऑफ द हैंड जो है वो कॉज हो जाती है. थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एक और हार्मोन जिसको हम कहते हैं कैल्सिटोनिन. ये इसका काम क्या है कि ये वाला जो हार्मोन है ये डिक्रीज करता है लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड और प्रोमोट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड इन टू द बोन्स. कि आपके पास क्या कर रहा है, प्रोमोट कर रहा है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा जो कैल्शियम है वो ब्लड में से एब्जॉर्ब होकर कहाँ चला जाए, इन टू द चला जाए. इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपका नेक्स्ट जो ग्लैंड है दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड. ये ग्लैंड है, इनके फोर जो है वो आपके पास साइड्स हैं. फोर ग्लैंड जो होते हैं सिचुएटेड होती हैं ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड और ये प्रोड्यूस करती हैं एक हार्मोन जिसको हम क्या कहते हैं, पैराथार्मोन कहते हैं, ठीक है. पैराथार्मोन जो है वो इंक्रीज करता है लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड. जब भी आपके पास इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पैराथार्मोन होता है तो ज्यादा से ज्यादा यानी मोर देन द नॉर्मल जो कैल्शियम सॉल्ट्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम द बोन्स और ब्लड में ऐड कर लिए जाते हैं. कॉन्सिक्वेंटली जो बोन्स हैं आपके पास वो क्या हो जाती हैं, इजीली ब्रेक डाउन हो जाती हैं, यानी ब्रिटल हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी, ब्रेक डाउन उनको करना इजी हो जाएगा. और अगर डेफिशिएंसी हो जाए इन द प्रोडक्शन ऑफ द पैराथार्मोन तो ब्लड कैल्शियम लेवल क्या कर जाता है आपके पास, फॉल कर जाता है, गिर जाएगा. तो आपके पास टेटनी यानी एक ऐसी कंडीशन है जो कि फंक्शन ऑफ द मसल्स जो है उसको अफेक्ट करती है. मसल्स जो है वो आपके अकड़ जाते हैं, ठीक है.
आपके जो मसल्स हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, कैल्शियम लेवल बॉडी में कम हो जाएगा तो नर्व्स और मसल जो है वो आपके पास स्ट्रेचेबल इजिली नहीं हो रहेंगे, तो ये आपके पास उसकी तरफ लीड करती है। नेक्स्ट हार्मोन है जी आपका एड्रिनल ग्लैंड्स। दो एड्रिनल ग्लैंड्स जो है वो आपकी किडनी के ऊपर, एड्रिनल है तो ऑब्वियसली इट इज कंसर्न विद द किडनी, तो आपके पास दो तरह के एड्रिनल ग्लैंड जो वो किडनीज के ऊपर सिचुएटेड होते हैं। हर एड्रिनल ग्लैंड जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है और जो इनर पार्ट होता है हम उसको क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं। ठीक है, एड्रिनल मेड्यूला सीक्रेट करता है आपके पास हार्मोन जिसको हम क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है टू द स्ट्रेस। ये प्रिपेयर करता है हमारी बॉडी को कि कोई भी किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो बॉडी उसको ओवरकम कर सके। इसके साथ साथ जो आपके पास एपिनेफ्रीन है वो आपके पास उसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं कि जैसे आपकी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप की इमरजेंसी आएगी तो ये हार्मोन जो है वो एकदम से रिलीज हो जाता है और ये बॉडी के ऊपर जो भी स्ट्रेस आ रहा है, जो भी प्रेशर आता है आपकी बॉडी के ऊपर, ये उसको ओवरकम करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है सीक्रेट करता है बहुत से हार्मोन्स को जिन्हें हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं, जो कि मेंटेन करते हैं बैलेंस ऑफ द सॉल्ट्स एंड वाटर इन द ब्लड। तो ये आपके पास दो तरह के जो है इसके एड्रिनल ग्लैंड जो है वो उसके हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है जी पैनक्रियास। इस ऑर्गन के बेसिकली पैनक्रियास क्योंकि इट इज रिलेटेड टू वर्ड द लिवर के साथ जो है वो रिलेटेड है, तो पैनक्रियास जो है वो आपके पास एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। बॉडी में दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन है बाहर की सेक्रीशंस प्रोड्यूस कर रहा है। इस ऑर्गन के आपके पास दो फंक्शंस होते हैं। मेजर पार्ट ऑफ पैनक्रियास जो है वो डक्टेड है, यानी उसके डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं। ये पोर्शन आपके पास डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है थ्रू अ डक्ट into the small intestine। अब ये portion जो है वो आपके पास small intestine के अंदर एक duct के through जो है वो digestive enzymes जो है उनको secrete कर रहा है, ऐसे hormones secrete कर रहा है जो है आपके digestion में help कर रहे हैं। ठीक है, कुछ portion pancreas का वो serve करता है as a ductless gland, जिनको हम endocrine glands कहते हैं। ठीक है, ये portion जो है ये contain करता है group of endocrine सेल्स जिनको हम रेफर कहते हैं ऐसे एज अ आइसलेट ऑफ लैंग्रेहेंस। ये जो आइसलेट्स होते हैं सेक्रेट करते हैं दो तरह के हार्मोन्स, इंसुलिन और ग्लूकागोन। अब ग्लूकागोन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है लिवर को कि वो ग्लूकोज को रिलीज करे इन द ब्लड। ग्लूकागोन जो है उसका काम क्या है कि वो लिवर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है लिवर को कि लिवर जो है वो ग्लूकोज को रिलीज कर दे कहाँ पे, ब्लड के अंदर, ताकि जो ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन है वो आपके पास राइज कर जाए। इंसुलिन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है लिवर को टू टेक एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। अब अगर एक पेशेंट है तो उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की अमाउंट जो है वो कम हो रही है, इंसुलिन प्रोडक्शन ठीक नहीं है, ये बेसिकली हार्मोन है आपके पास। ठीक है, तो इंसुलिन जो है वो आपके पास लिवर को इनिशिएट कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, उसे कह रही है कि वो क्या करे, एक्सेस ग्लूकोज को ब्लड में से क्या करे, एक्सट्रैक्ट कर ले वापस कर ले। ठीक है, ताकि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो फॉल कर जाए, नॉर्मल कर जाए। अगर एक पर्सन जो है उसका पैनक्रियाज जो है वो नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन नहीं बना रहा तो ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन जो है उसकी वो क्या करेगी, राइज कर देगी और हम कह सकते हैं कि वो पर्सन जो है वो डायबिटिक है या उसको डायबिटीज है। ऐसा पर्सन जो है जिसकी जिसको डायबिटीज हो उसका बॉडी वेट जो है वो लूज हो जाता है, मसल्स वीकनेस हो जाती है, टाइर्डनेस हो जाती है। ठीक है, आपके पास ये जो डिजीज है ये कंट्रोल करती है, इसको हम बेसिकली इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उसकी बॉडी में आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, इंसुलिन को इंजेक्ट किया जाता है जो कि जाके उसकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज कंसेंट्रेशन जो है उसको स्टिमुलेट कर रही होती है, चला रही होती है। आमतौर पर जो इंसुलिन एनिमल्स की बॉडी से निकाली जाती है उसको इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन फ्रॉम द बैक्टीरिया जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है वो स्टैंड
अवेलेबल है हमारे पास, हम उसको यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी गुनेट्स। गुनेट्स आपके पास टेस्टिस या ओवरीज जो मेल्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारे पास गुनेट्स हैं, इनको हम, इनका काम क्या है कि ये आपके पास एडिशन है, ये आपके पास गैमेट्स जो है उनको प्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ गुनेट जो है वो सेक्स हार्मोन्स जो है उनको भी रिलीज करते हैं। ये भी आपके पास ग्लैंड है जो कि हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। टेस्टिस जो है वो हार्मोन्स जो सीक्रेट करते हैं उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स कैरेक्टर्स, जैसे उनका ग्रोथ ऑफ द हेयर्स ऑन द फेस है एंड अदर, जैसे उनकी वॉइस चेंजिंग है, तो ये सारी चीजें जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो देख रहा होता है, ठीक है। जबकि अगर आप दूसरी तरफ देखें तो ओवरीज जो है वो सीक्रेट करती है एस्ट्रोजन एंड प्रो एस्ट्रोन, आपके पास ये वाले दो हार्मोन्स रिलीज करती हैं, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल स्कैनरी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट फेयर है। नेक्स्ट टॉपिक है जी फीडबैक मैकेनिज्म। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स को एक कॉन्स्टेंट रेट के ऊपर, रेट जो है वो वेरी करता है विद द नीड ऑफ द बॉडी, के बॉडी को कौन सा ग्लैंड है कौन सा हार्मोन जो है जब बॉडी की जरूरत होती है उसके हिसाब से जो है, जैसे वैसोप्रेशन का हमने पढ़ा कि जब आपकी बॉडी में वाटर लेवल कम होता है तो वो वाला हार्मोन रिलीज होता है और वो ज्यादा ज्यादा नेफ्रॉन से रीअब्सॉर्प्शन करेगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो जो उनके हार्मोन सेक्रेशन है वो बेसिकली वेरी करती है ऑन द नीड ऑफ द बॉडी। इसी तरह बहुत से अदर फंक्शंस हैं आपकी बॉडी के अंदर, जैसे सेक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स जो है वो भी रेगुलेट होता है आपके पास फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है आप, उसका मतलब ये है कि आपके पास रेगुलेशन का एक प्रोसेस है जो कि सेम प्रोसेस है बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस, यानी आपके पास एक फीडबैक जा रही है जिसकी बेसिस पे क्या हो रहा है, आपके पास एक आउटपुट जनरेट हो रही है। मैकेनिज्म के दो तरीके होते हैं, आपके पास फीडबैक मैकेनिज्म है तो उसको चलाने के दो तरीके हैं कि आपके पास जो भी आउटपुट है उसके हिसाब से कोई ना कोई फीडबैक आ रही है कि कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहाँ पे कितना हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपके पास इसकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेशन बनाते हैं उसकी आपके पास दो जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म है, नंबर वन इज नेगेटिव फीडबैक एंड द अदर वन इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इफ वी टॉक अबाउट द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, अगर हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली आपके पास जो किसी भी प्रोसेस की आउटपुट होगी उसकी बेसिस में उस सिस्टम का या उस प्रोसेस को डिक्रीज कर दिया जाता है या उस प्रोसेस को इनहिबिट कर दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि ये मैकेनिज्म बेसिकली क्या कर रहा है, किसी भी चीज को नॉर्मल अपनी कंडीशन नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल वैल्यूज पे वापस लेकर जाता है। जब भी आपकी ब्लड ग्लूकोज जो कंसेंट्रेशन है वो राइज कर जाती है तो पेनक्रियाज आपके पास क्या करता है, सीक्रेट करता है इंसुलिन को, ये डिक्रीज करेगा ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन को, तो आपके पास ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन जो बॉडी के अंदर है वो किधर चली जाती है, नॉर्मल की तरफ चले जाती है, ठीक है। लेकिन अगर डिक्लाइन आ जाए आपके पास ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन का, नॉर्मल से नीचे चली जाए, तो सेट पॉइंट जो है वो इनहिबिट करता है सेक्रेशन ऑफ द इंसुलिन। अब वो क्या करेगा कि वो आपके पास जो इंसुलिन वापस ग्लूकोज को पहुंचा रहा था, लीवर को कह रहा है कि आप उससे ग्लूकोज वापस ले लें, तो इंसुलिन हार्मोन जो है उसकी सेक्रेशन को एंडोक्राइन सिस्टम जो है आपका वो बंद कर देगा। अब आपके पास जब ये बंद होगा तो ग्लूकागोन जो है वो उसको सीक्रेट करना शुरू कर देगा, जो कि दोबारा से क्या करेगा, आपके पास जो आपका ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन को जाकर मेंटेन करना शुरू कर देगा। तो आपके पास ये सिस्टम बेसिकली क्या कर रहा है, या डिक्रीज करता है या इनहिबिट करता है किसी भी प्रोसेस को, कि उस प्रोसेस को या तो रोक देगा या उसकी क्वांटिटी को कम कर देगा। कि अगर आपके पास ग्लूकोज का लेवल जो ब्लड है उसके अंदर ज्यादा हो जाएगा तो वो लिवर को, लिवर के अंदर हार्मोन जो है वो सीक्रेट होंगे जो कि उसको इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो ग्लूकोज जो है वो क्या करे, ब्लड में से टेक इन कर ले। लेकिन अगर ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो गई है फिर वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देगा जो कि जाकर उसको कहेंगे कि वो क्या करे कि ग्लूकोज जो है वो उसको डिपॉजिट करे इनटू द
ब्लड स्ट्रीम, सही। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये किस तरह से वर्क करता है कि जो भी रिजल्ट में चेंजेस आती हैं किसी भी प्रोसेस के रिजल्ट में, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा उस प्रोसेस के रेट को। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपके पास एक इन्फेंट है तो वो मदर फीड लेता है, तो जब वो मदर फीड लेगा तो बेसिकली क्या होगा कि हार्मोन्स जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, जो हार्मोन्स जो आपके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं, तो जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो भी ग्लैंड्स जो हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो जब बेबी वहाँ पे सकलिंग का प्रोसेस होगा तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज करेगा जो कि वहाँ पे जाके मिल्क प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो किसी भी प्रोसेस के रेट को इंक्रीज कर रहा है, जबकि जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है या फिर उस प्रोसेस को डिक्रीज कर रहा है या टोटली इनहिबिट कर रहा है, यानी उस प्रोसेस को रोक देता है, जो भी चेंजेस या आउटपुट जो भी उस प्रोसेस की वजह से आ रही है, उससे जो फीडबैक आ रहा है, अगर वो फीडबैक सही नहीं है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म उस प्रोसेस को रोक देगा या उस प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट टॉपिक है जी डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं टू मेन टाइप्स में। फर्स्ट टाइप है इसकी वेस्कुलर डिसऑर्डर्स। जो वेस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं ये आपके पास डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टू द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की ब्लड सप्लाई के अंदर जब भी कोई डिसऑर्डर आता है तो आपके पास जो है वो वेस्कुलर डिसऑर्डर्स जो है वो कॉज हो जाते हैं। वेस्कुलर डिसऑर्डर की एग्जांपल जो हम आपके पास पैराडाइसिस है, तो पैराडाइसिस बेसिकली कंप्लीट लॉस ऑफ द फंक्शन बाय वन ऑर मोर वेस्कुलर ग्रुप्स है, जो कि कॉज होता है डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर किसी भी टाइप का डैमेज कॉज होगा। ये जो डैमेज होता है ये ड्यू टू स्ट्रोक भी हो सकता है, यानी रप्चर इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है, कि आपके पास कोई भी स्ट्रोक का अटैक हुआ है तो उसकी वजह से क्या हो गया कि वहां से वेन जो है वो आपकी रप्चर कर गई है, तो ब्रेन की या स्पाइनल कॉर्ड की कोई भी नर्व जो है वो अगर ब्लड वेसल्स जो है वो इसके रिजल्ट में अफेक्ट हो गई है तो आपके पास लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा एक या एक से ज्यादा मस्कुलर ग्रुप के अंदर। ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकती है ब्लड वेसल के अंदर, या पॉइजन प्रोडक्शन हो सकती है पोलियो वायरस के थ्रू। पेशेंट जो है वो वीक पैरालिसिस थ्रू आउट ये उसकी लाइफ जो है वो भी हो सकता है, या किसी एक साइड पे उसकी बॉडी की जो है वो अफेक्ट हो जाती है, यानी वो पैरालाइज्ड हो जाती है, आपके पास वो फंक्शन नहीं कर पाती। इसके साथ साथ जो पैरालिसिस होता है वो बेसिकली आपके पास लोअर बॉडी पार्ट में होता है, या 44 लेग्स जो है वो पेशेंट की वो भी अफेक्टेड हो सकती है आपके पास। सेकेंड जो टाइप है आपके पास नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स की, वो आपके पास है फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द नर्व इम्पल्स जनरेशन। क्या आपके पास नर्व जो इम्पल्सिस जनरेट कर रही हैं उनके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाए, या उन इम्पल्सिस की ट्रांसमिशन के अंदर कोई मसला आ जाए, तो वो आपके पास फंक्शनल डिसऑर्डर प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल में जो डिजीज डिस्कस की गई है वो एपिलेप्सी। एपिलेप्सी जो है वो बेसिकली एक नर्वस डिसऑर्डर है जिसके अंदर एबनॉर्मल या एक्सेसिव डिस्चार्ज हो जाता है नर्व इम्पल्सिस का इन द ब्रेन। ये एक टेम्परेरी कंडीशन होती है, एबनॉर्मल स्टेट ऑफ द ब्रेन होती है, जो कि जिसमें जो है कन्वर्जन आती है, यानी झटके वगैरह लगने शुरू हो जाते हैं पेशेंट को। अब इसके अंदर जो यंगर पीपल हैं उनमें एपिलेप्सी जो है वो जेनेटिक भी हो सकती है, या डेवलपमेंटल कॉजेस की वजह से भी हो सकती है कि डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर कोई मसला आ गया हो, ठीक है। अब 40 ईयर से अबव जो पीपल हैं उनके अंदर ब्रेन ट्यूमर जो है वो उसको लाइकली समझा जाता है कि वो आपके पास एपिलेप्सी का एक कॉज है, उसकी वजह से एपिलेप्सी जो है ये कॉज हुई है। हेड ट्रॉमा है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोई इन्फेक्शन कॉज हो गया तो वो भी एपिलेप्सी की तरफ लीड करता है, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रॉपर जो क्योर है एपिलेप्सी का वो अभी तक हमारे पास नहीं है। मेडिसिंस हैं जो बेसिकली क्या करती हैं उस टेम्परेरी कंडीशन को, जो ब्रेन के अंदर एक्सेसिव अमाउंट आपके पास या एबनॉर्मल नर्व इम्पल्सिस जो प्रोड्यूस हो रही हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, और इनको हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहते हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं एपिलेप्सी के पेशेंट को
क्योर करने के लिए एट द टाइम ऑफ द प्रॉब्लम. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे.